पात्र लोग एक साल में 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करवा सकते हैं। बिहार में भी 1,79,00,000 परिवारों को इस योजना का लाभ मिला है। देखिए पटना से डीडी न्यूज संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना ने न सिर्फ लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है, बल्कि इस योजना ने इलाज पर खर्च होने वाली करोड़ों रुपए की भी बचत कराई है। बिहार में भी इस योजना का लाभ 1,79,00,000 परिवारों को मिल रहा है। योजना के तहत बिहार में अब तक 1,624 करोड़ रुपए की राशि गरीब परिवारों के मुफ्त इलाज के लिए खर्च की जा चुकी है और 13 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज किया जा चुका है। हाँ, सरकारी मदद से भेले देखलक तो मदद वह के मोदी सरकार से वही से हमारा इलाज कलक। पहले से अच्छा है, आयुष्मान कार्ड लगा हुआ है, कैंसर हुआ है पता चल रहा है तो इलाज बढ़िया हो रहा है। एक महीने में जितने भी मरीज आते हैं उसमें 60 से 70% हमारे आयुष्मान से होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है प्रधानमंत्री की तरफ से कि हम लगभग अपने सभी मरीजों को आयुष्मान के तहत ला करके और उसका पूरा से पूरा इलाज कर पा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड का लाभ देने में बिहार तीसरे स्थान पर है और राज्य में अब तक 1,21,00,000 परिवारों के लगभग 3,60,00,000 पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है। 2024 में रिकॉर्ड 2.50 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाया गया है। हालांकि राज्य में कार्ड बनाने के लिए पात्र लाभार्थियों की संख्या लगभग 8.50 करोड़ है। ऐसे में सरकार बाकी बचे लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए तेजी से काम कर रही है। केंद्र सरकार ने हाल ही में इस योजना का लाभ किसी भी आयु वर्ग के 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को देने का फैसला किया है। इस फैसले से बिहार के 50 लाख लोगों को सीधा फायदा मिलने की संभावना है। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने ऐसी व्यवस्था दे दी कि अब वह 70 साल से ऊपर का आदमी देश के 23,000 अस्पतालों में और हमारे राज्य के लगभग 1,000 अस्पतालों में वो कार्ड पॉकेट में रख के कहीं भी हमारे जाएंगे वृद्धजन तो उनका मुफ्त में 5,00,000 रुपए तक का इलाज करने की व्यवस्था सुविधा दे दी। बिहार के लोगों को आयुष्मान दिवस की पूर्व संध्या पर एक और तोहफा भी मिला है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का भी शुभारंभ किया है। इसका लाभ राज्य के 58,00,000 लोगों को दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण की रिपोर्ट।